हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 20. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? An operating system is the most important system software of a computer. Operating system एक ऐसा system है जो computer software को run करने के लिए सबसे important system है. That helps the hardware works with the software. Operating system से क्या होता है कि hardware work करता है software की मदद से. It manage and control the work of every other part of the computer. Operating system से क्या कर सकते हैं, क्या होता है, मैनेज कर सकते हैं हम सारे के सारे पार्ट्स को, हम कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. The most commonly used operating system in computer is Windows. We all know about that कि हमारे कंप्यूटर के अंदर Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP, यही एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है. There are various versions of Windows such as Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Yes, there is a lots of software available, version available in Windows. There is a first one is Windows XP. Then Windows 7, then Windows 8, now our latest update version is Windows 10. Yes. Next one is types of operating system. कितने types के operating systems हैं? There are two types of operating system. कितने प्रकार के हैं? दो तरीके के, single user and multi user. Single user यानी कि किसी भी एक person को, एक ही candidate को अगर use करना है operating system तो क्या करेंगे, सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे. और मल्टी, एक से ज़्यादा लोगों को अगर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना है तो मल्टी यूज़र आएगा. ओनली अ फर्स्ट वन इज सिंगल यूज़र. ओनली अ सिंगल यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम प्रेजेंट इन होम एंड पर्सनल कंप्यूटर. क्या होता है, ओनली अ सिंगल यूज़र कैन वर्क एट द टाइम. एक ही टाइम पे एक ही सिंगल यूज़र वहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है. एग्जांपल विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10. जैसे मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और वो है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10. नेक्स्ट वन इज मल्टी यूज़र. जैसे ही कि नाम आपको पता होगा वैसे ही आपको आइडिया आ जाएगा कि मल्टी यूज़र, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी यूज़र. एक से ज़्यादा लोग अगर वो यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसे बोलेंगे मल्टी यूज़र. A numbers of user can work at the same time, use in large organization with several several employees. A number of user can work at the same time. एक ही समय पे काफ़ी सारे लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल यूज़र. ओके, यूज़र इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ सेवरल एम्प्लॉयज, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट्स के साथ. जैसे कि कोई कंपनी है, अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर या फिर अदर कोई कंपनी है जहाँ पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होते हैं एक ही समय पे, तो उसे क्या करेंगे, मल्टीपल यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल कराएंगे और वहाँ पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एक ही समय पे वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल यूज़र. एग्जांपल यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज़ सर्वर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिक्स. अ यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज इन इंटरनेट सर्वर वर्क स्टेशन एंड पीसीएस बाय इंटेल, एचपी एंड शॉर्टीज. ओके,
लिनियस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से क्या होता है, इंटरनेट सर्वर वर्क स्टेशन एक समय पे हम काफ़ी सारे वर्क स्टेशन पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लिनियक्स। लिनियक्स इज एन ओपन सोर्स फ्री टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाइडली यूज फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इवन फॉर गेम डेवलपमेंट्स ऑल्सो दे कैन यूज लिनियक्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनियक्स से हम क्या कर सकते हैं, वो ओपन सोर्सेस फ्री है, काफ़ी सारे सोर्सेस को हम एक जगह पे रख के वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम लिनियक्स कहेंगे। एंड विंडोज सर्वर, एवरीवन नो अबाउट द विंडोज सर्वर। हमारे कंप्यूटर, जैसे कि आपको कोई कंपनी है वहाँ पे विंडोज सर्वर है, तो सर्वर पीसी के साथ सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स सेट किए जाते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, आप एक समय पे काफ़ी सारे लोग, मल्टीपल एम्प्लॉइज़ वहाँ पे वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज डेस्कटॉप एंड आइकॉन्स। डेस्कटॉप एंड आइकॉन्स, विंडोज 7 इज अ वर्जन ऑफ विंडोज दैट वाज रिलीज इन 2009। विंडोज 7 कब रिलीज हुआ, 2009 में। When you switch on the computer, Windows is automatically loaded into the computer memory. जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, विंडोज लोड करेगा अपने आप को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। You see the Windows flag on the screen. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको स्क्रीन के ऊपर विंडोज 7 का फ्लैग दिखाई दे रहा है। दिस इज द फॉलो बाय अ वेलकम मैसेज। वो क्या है, एक वेलकम मैसेज है, और वो वेलकम मैसेज आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डेस्कटॉप हैज स्मॉल लेबल पिक्चर। दिस आर कॉल्ड आइकॉन्स। There will be several icons depending on how your computer is set up. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे icons आपको दिखाई देंगे desktop के ऊपर, small labels picture आपको दिखाई देंगे, वो क्या है, एक icons है। अब हम वो details में पढ़ेंगे। There are three types of icon: files, folder and प्रोग्राम। कितने टाइप्स के आइकॉन्स होते हैं, थ्री टाइप्स। फर्स्ट फाइल्स, सेकंड वन इज फोल्डर एंड थर्ड वन इज प्रोग्राम। ओके, डेटा और इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ईच फाइल इज गिवन अ नेम। अगर आप कोई भी डेटा या फोल्डर या सॉरी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं और उसे हम स्टोर करना चाहते हैं, तो कौन से फॉर्मेट में स्टोर होगा, फाइल। फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होगा। अ ग्रुप ऑफ फाइल इज स्टोर इन अ फोल्डर। अगर हमें एक से ज़्यादा फाइल बनाई है, अगर उसको हमें सेव करना है, तो वो कहाँ पे सेव करेंगे, हम फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हम सारी की सारी फाइल्स को स्टोर करेंगे। अ फोल्डर में कंटेन्स सेवरल फाइल्स ऑफ अदर फोल्डर। अ फोल्डर टू इज गिवन अ नेम। और जैसे ही आप फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग नाम देंगे। जैसे कि हमें कोई कम से एक से ज़्यादा फोल्डर बनाए हैं, तो उसको हम अलग अलग नाम देंगे। अ प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। MS पेंट, MS वर्ड, टक्स पेंट आर सम प्रोग्राम। अगर हम कोई प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर कोई टास्क करना है, जैसे कि हम कोई भी एक पेंटिंग करना चाहते हैं या फिर फाइल बनाना चाहते हैं, कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम दिए गए हैं। वो कौन से प्रोग्राम हैं, MS पेंट,
MS Word, Tux Paint, ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं। An icon can be opened by double click on it. It open as a rectangular frame that look like a window. आप सभी को पता ही है, जैसे कि हम डबल क्लिक करेंगे किसी भी आइकॉन के ऊपर तो वो फोल्डर ओपन होगा, और कैसे होगा, ओपन एज अ रेक्टेंगल फ्रेम। ओके, नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग अन एंड डिस सिलेक्टिंग अन आइकॉन। अगर आपको कोई आइकॉन सिलेक्ट करना है या नहीं करना है वो आप कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट क्लिक ऑन द आइकॉन, द आइकॉन विल बी हाईलाइटेड टू डिस टू हाईलाइटिंग। जैसे ही आप किसी भी आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो फोल्डर हाईलाइट होगा, और जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो वो फोल्डर ओपन होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या है, सिर्फ आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। टू डिस सिलेक्ट एन आइकॉन, क्लिक अवे फ्रॉम द आइकॉन विल बी डिस सिलेक्ट। सिलेक्ट अगर आपने कोई फोल्डर या आइकॉन को सिलेक्ट किया है तो आइकॉन को डिस सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कोई भी अदर जगह पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे और जगह पे क्लिक करना है ताकि आपका फोल्डर डिस सिलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग एडजेस्टेंट आइकॉन, लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकॉन यू वॉन्ट टू सिलेक्ट। पहले तो आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है जो भी आपको आइकॉन के ऊपर सिलेक्ट करना है उसके ऊपर। कीप द शिफ्ट की प्रेस्ड, क्लिक ऑन द लास्ट आइकॉन एंड द रो यू वॉन्ट टू सिलेक्ट। अगर आपको सारे के सारे आइकॉन को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, माउस के ऊपर लेफ्ट क्लिक की करके शिफ्ट की को प्रेस करके लास्ट वाले, यहाँ की यहाँ से आपको लास्ट वाले तक आपको क्या करना है, अपने कर्सर से ड्रैग करना है ताकि सारे के सारे आपके फोल्डर यानी कि आइकॉन्स सिलेक्ट हो जाए। रिलीज़ द शिफ्ट की, रिलीज़ मतलब कि शिफ्ट की को आपको रिलीज़ करना है, ऑल द आइकॉन्स विल रो आर सिलेक्ट, सारे की सारी आइकॉन्स की जो रो है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग नॉन एडजेस्टेंट आइकॉन, कीपिंग द कंट्रोल के की प्रेसेड, क्लिक ऑन ईच आइकॉन यू वॉन्ट टू सिलेक्ट ऑन बाय वन। अगर आपको वन बाय वन किसी सारे के सारे आइकॉन को अगर सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कंट्रोल की के ऊपर प्रेस करोगे, देन जो भी आइकॉन आपको क्लिक करना है उसके ऊपर आप क्लिक करते जाओगे तो वन बाय वन आपके सारे के सारे आइकॉन्स क्लिक होते जाएंगे। और जैसे ही आप क्लिक सिलेक्ट हो जाए आपको क्या करना है, कंट्रोल की को रिलीज़ करना है ताकि आपके जो भी आइकॉन्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अरेंजिंग आइकॉन, अगर आपको आइकॉन को अरेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। लुक एट योर टेक्स्ट बुक, यू कैन अरेंज आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप टू मेक इट लुक टीडी, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। क्या करना है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक को राइट क्लिक से क्लिक करना है ताकि आपको ये वाला मेन्यू दिखाई दे, और जैसे ही आपको दिखाई देगा सिलेक्ट व्यू, व्यू वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है जिसकी मदद से आपको क्या दिखाई देगा, ऑटो अरेंज आइकॉन। जैसे ही ऑटो अरेंज आइकॉन आपको दिखाई देगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आप सारे के सारे आइकॉन्स को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर। नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग आइकॉन्स, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग इन अ पर्टिकुलर ऑफ फोल्डर पर्टिकुलर ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अरेंज द आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। अगर आपको कोई भी सारे के सारे आइकॉन को नेम के हिसाब से, साइज या फिर डेट के हिसाब से अगर उसको मैनेज करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट
डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, वहाँ पे आपको ये मेन्यू दिखाई देगा, उसके अंदर शॉर्ट बाय, शॉर्ट बाय के अगर ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला मेन्यू दिखाई देगा, नेम, साइज, आइटम टाइप्स एंड डेट मॉडिफाइड। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग आइकॉन्स, आइकॉन को आप अच्छे से सॉर्टिंग यानी कि सेट कर सकते हो। ओके चिल्ड्रंस, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3। वी हैव टू लर्न रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।